व्यूअर्स, जब आप ये घर परचेज करेंगे तो आपके सारे जो रिश्तेदार हैं उनमें आपकी वाह वाह हो जाएगी, क्योंकि व्यूअर्स ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ बैरियाटोन फेज 8 के ओवरसीज सेक्टर के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस प्रॉपर्टी व्यूअर्स, जो कि 12 मरला का घर है जिसमें 4 मरला इंटीरियर लॉन गार्डन स्पेस है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं आपके पास प्रॉपर एक डेडिकेटेड लॉन स्पेस है, गजीबो की आपके पास एक अकोमोडेशन है, इसको एज अ बारबेक्यू स्पेस भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। व्यूअर्स बैक साइड से घर के मैं अंदर व्यूअर्स प्रॉपर एक एंट्री लेता हूँ। व्यूअर्स घर एक मल्टी फीचर्ड व्यूअर्स ये घर है जिसमें बहुत सारे फीचर्स, इसको वन बाय वन मैं जो है वो डिस्क्लोज करूंगा। व्यूअर्स नंबर वन इस जो घर है 12 मरला, इसके कंस्ट्रक्शन है प्रॉपर एक डबल यूनिट घर है जिसकी बैक साइड ओपन है, और नंबर टू इस घर की जो स्ट्रीट है वो एक क्लोज्ड एंड डेड एंड स्ट्रीट है, जिसका मतलब है इस घर में इस स्ट्रीट में वही बंदा आएगा जिसका इस गली में घर है। व्यूअर्स सिक्योरिटी के पर्पस के साथ आपके लिए एक एक्स्ट्रा सिक्योर प्लेस पे घर है। व्यूअर्स इसके साथ आपके पास मस्जिद की अकोमोडेशन, आपको फैमिली पार्क का जो अकोमोडेशन है उसकी जो आपको एक्सेस है बहुत ईजी वॉकिंग डिस्टेंस पे, आपको ये दो चीजें मिलती है। व्यूअर्स एक जबरदस्त लोकेशन पे घर है जिसमें बहुत ज्यादा जबरदस्त फीचर्स हैं, 6 करोड़ 20 लाख रुपए। व्यूअर्स इस खूबसूरत प्रीमियम प्रॉपर्टी की डिमांड है। व्यूअर्स मेक श्योर करें घर का प्रॉपर आप विजिट देखें ताकि कंप्लीट डिटेल्स आप तक पहुंचे। चलें व्यूअर्स घर का प्रॉपर विजिट स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स फ्रंट एलिवेशन से इस खूबसूरत प्रॉपर्टी का प्रॉपर मैं विजिट स्टार्ट करता हूं। व्यूअर्स आपके पास एक खूबसूरत आपके पास फ्रंट एलिवेशन एक मार्वलस क्लास में, ये अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं व्यूअर्स आपके पास ट्रेवेट एंड मार्बल का यूज है, आपके पास चाइनीज स्टाइल का यूज है, खूबसूरत आपके पास वो टेरेस साइड पे आपके पास कैलीग्राफी वर्क है अलॉन्ग विद आपके पास खूबसूरत आपके पास वुड वर्क की भी यहाँ पे अकोमोडेशन है। व्यूअर्स स्ट्रीट व्यू की बात करूँ तो एक जो कि एक्स्ट्रा प्लस फैक्टर होता है व्यूअर्स, यानी कि एक डेड एंड क्लोज्ड एंड स्ट्रीट है आपके पास, मतलब ये घर एक एक्स्ट्रा सिक्योर जगह पर, यानी कि इस गली में वही बंदा आएगा जिसका स्ट्रीट में कोई घर है। तो व्यूअर्स ओवरऑल इसकी मैं लोकेशन आपके साथ ब्रीफली डिस्क्राइब कर लूँ तो व्यूअर्स आपके पास एक जो बेसिक चीज़ें होती है फैमिली, यानी फैमिली पार्क है और जो मस्जिद है, आपको इस जगह से वॉकिंग डिस्टेंस पर 2 से 3 मिनट की पैदल वॉक पे आपको व्यूअर्स ये सारी जो है अमेनिटीज़ हैं आपको अवेलेबल हैं। व्यूअर्स एक खूबसूरत आपके पास बड़ा रैंप एरिया, एक गाड़ी आप इजीली बाहर ही पार्क सकते हैं, एक खूबसूरत आपके पास वेल मेंटेन्ड एक्सटीरियर लॉन स्पेस है, तो प्रॉपर सी थ्रू फील्ड में ब्लैक कलर में इस घर का आपको मेन गेट मिलता है। तो घर के मैं अंदर आपको लेकर चलता हूँ। व्यूअर्स एक आपके पास व्यूअर्स वाइड एक मैसिव कारपेट एरिया है, ज़बरदस्त आपके पास वॉल वर्क है, खूबसूरत पैचेस में आपके पास आर्टिफिशियल ग्रास का भी यूज़ है, साथ आपको ट्रेवेट एंड मार्बल का भी यूज़ मिल रहा है। व्यूअर्स एक आई थिंक 2 से 3 गाड़ियाँ आप इजली यहाँ पे इसके कार पोर्च एरिया में पार्क कर सकते हैं, और साथ साइडवॉक से जो कि बैक साइड इंटीरियर लॉन जो कि शुरू में आपने देख लिया जिससे जहाँ से मैंने विजिट स्टार्ट किया था, तो आपको वो प्रॉपर एक अकोमोडेशन मिले जिसको अंदर चल के भी मैं आपको मजीद जो है आपको क्लोजली विजिट करवाऊंगा। व्यूअर्स एक आपका बड़ा मेन डोर है, खूबसूरत डोर है, सॉलिड वुड है, जिसके थ्रू आपके पास वन स्टेप अप इस घर की मेन एंट्रेस है जो कि लार्ज हैंडल है इसके और इजी टू ऑपरेट है। व्यूअर्स एक खूबसूरत व्यूअर्स आपके पास एक लॉबी जो है वो इसका आपका इस घर पे एंट्रेंस के साथ ही वेलकम करती है, यानी व्यूअर्स इस सीलिंग की जरा आप खूबसूरती चेक करेंगे, 2 लाइंस में आपके पास खूबसूरत स्ट्रिप लाइट्स में आपके पास व्यूअर्स ज़बरदस्त एक सीलिंग वर्क है, और एक आपके पास बिल्कुल सेपरेट आपकी अपर पोर्शन की एक्सेस है। अंडर स्टेयरकेस मुझे मिल जाता है इस घर का खूबसूरत जो है पॉडरूम एरिया, और स्टेयरकेस के मजीद नीचे आपको छोटा मोटा एक जो है सामान वगैरह रखने के लिए भी एक अलहदा डेडिकेटेड स्पेस मौजूद है। व्यूअर्स दिस इज द पॉडरूम एरिया, वैनिटी और मोड आप देख सकते हैं। व्यूअर्स एंट्रेंस के ऑन दी लेफ्ट मुझे मिलता है इस घर का एक खूबसूरत आपका जो है ड्राइंग रूम एरिया जिसको मैं विजिट कर लेता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ। व्यूअर्स लुक एट दिस ड्राइंग रूम, व्यूअर्स एक खूबसूरत आपके पास क्लास है ड्राइंग रूम एरिया, एक ज़बरदस्त आपके पास एक बहुत ही यूनिक सीलिंग वर्क है, 2 3-ब्लेड फैंस आपके साथ इंस्टॉल्ड हैं, और एक खूबसूरत प्रॉपर एक ड्राइंग रूम स्पेस आपके पास मौजूद है खूबसूरत निश डिज़ाइन के साथ और ज़बरदस्त वुडन में फ्लोरिंग के साथ, जो कि बहुत ही एक मुझे ज़बरदस्त एक अच्छी जो है फील लगती है, जो एक ज़बरदस्त घर वैसे ही जो फ्लोरिंग है किसी भी घर में अगर फ्लोर में ये लगी हो तो एक ओवरऑल घर का वैसे ही जो एक लेवल है वो उसको अपस्केल ये कर देता है। व्यूअर्स एक बड़े साइज़ का आपके पास विंडो पैनल जिसके थ्रू आप कारपोर्च एरिया को एक्सेस कर सकते हैं, और आपके पास प्रॉपर एक सेपरेट जो है एक्सेस है आपके पास ड्राइंग रूम की, जो कि बिल्कुल टीवी लॉन्च की एक्टिविटीज को ड्राइंग रूम से डिस्कनेक्ट करिए थ्रू दिस ब्यूटीफुल सेपरेशन पार्टीशन जिसमें आपके पास ट्रेम्पर्ड ग्लास का वर्क है और साथ बस छोटी मोटी आई थिंक कोई पैनलिंग है लोहे की, खूबसूरत आपके पास प्रॉपर एक सेपरेट एक ड्राइंग रूम एरिया की एक्सेस है विद स्लाइडिंग डोर्स। वापस मैं मेन एंट्रेंस वाली जगह पर आता हूँ तो व्यूअर्स बाकायदा जो है टीवी लॉन्च के अंदर मैं एंट्री लेता हूँ, ऑन दी लेफ्ट मुझे एक खूबसूरत टीवी लॉन्च का व्यू मिलता है। व्यूअर्स लुक एट जरा इस टीवी लॉन्च की आप फील चेक करें,
जबरदस्त आपके पास है खूबसूरत एक बहुत ही यूनिक सीलिंग वर्क है, जो कि मुझे ये देखें आप दो लाइंस की शक्ल में आपके पास एक स्ट्रिप लाइट्स का यूज़ है, एलईडी लाइट्स का, और ज़बरदस्त आपके पास खूबसूरत दो 3 ब्लेड फैंस, और क्या एक बेहतरीन सा ये आपके पास ये एक शैंडलियर है, बड़ा आपके पास एक अनडिफाइंड काइंड ऑफ ये एक शैंडलियर है, एक खूबसूरत आपके पास टीवी लॉन्च की जो है एक्सेस है, अकोमोडेशन है। ज़रा फ्लोरिंग का आप लेवल चेक करेंगे, ड्राइंग रूम एरिया की फ्लोरिंग आपने देखी बिल्कुल वुडन फ्लोरिंग है, साथ इसके टाइल वर्क आप देखिए बिल्कुल सेपरेट है, और लॉबी का जो मेन एंट्रेंस वाला टाइल वर्क वो बिल्कुल एक आपको डिफरेंट मिला है। तो इससे आप देख सकते हैं इस घर में जो काम कितना एक डिटेलिंग और कितना एक ज़बरदस्त एक अच्छे एक स्टैंडर्डाइज तरीके में इस घर को फिनिशिंग इसकी की गई है। आपके पास व्यूअर्स एक मैसिव जो है मीडिया वॉल है, वुडन मीडिया वॉल है, साथ आपके पास खूबसूरत निश डिज़ाइन है जहाँ पे आपको दो रैक्स की भी प्लेसमेंट मौजूद है, आप छोटे मोटे जैसे जो है छोटे मोटे से शोपीसेस पड़े आप मजीद यहाँ पे कोई शोपीसेस भी उसको प्लेस कर सकते हैं। व्यूअर्स एक आपके पास काफ़ी एक ज़बरदस्त स्पेस है, उसके साथ लेफ्ट साइड पर आपके पास एक ओपन किचन है ग्राउंड पोर्शन का लेआउट जो एक स्टैंडर्ड लेआउट है, आपके पास दो बेडरूम्स की अकोमोडेशन है, आपके पास टीवी लॉन्च है, किचन है, पाउडर रूम है, ड्राइंग रूम है। जल्दी से इसका किचन मैं पहले आपको दिखाता हूँ व्यूअर्स, जो कि कम्प्लीटली टेक्सटाइल का उसको आपको मैसिव एक यूज़ मिलेगा। ये आपको पता है एक ज़बरदस्त एक मटेरियल है, एलिमेंट है टेक्सटाइल, जो कि अक्सर आपको कैबिनेट्स में जो है घरों की ये नज़र आता है। तो किचन को टोटली जो है उसकी एडजस्टमेंट की गई है टेक्सटाइल से, और खूबसूरत आपके पास ग्रेनाइट का व्यूअर्स आपके पास काउंटर टॉप है, काफ़ी एक कंटिन्यूड है, काफ़ी आपके पास मैसिव स्पेस में, यानी कि वो आपको वॉशिंग एरिया है वहाँ से होता हुआ, हुड एंड होप से होता हुआ यहाँ पे माइक्रोवेव और ग्रिल ओवन की जहाँ पे आपके पास कॉम्बिनेशन वहाँ पे जाके ये काउंटर टॉप एंड होता है, तो इस जगह आप यूटिलाइज कर सकते हैं कोई ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। हैंडल लेस व्यूअर्स थ्रू आउट आपके पास कैबिनेट्स हैं जो कि आपके लाइफ टाइम गारंटी को एश्योर करते हैं, डैमेज जल्दी नहीं होते। एक 3 ब्लेड फैन भी आपके पास लगा हुआ है अलॉन्ग विद दिस ब्यूटिफुल फैंसी लाइट। दो बेडरूम्स की अकोमोडेशन आपके पास ग्राउंड पोर्शन है, वन बाय वन दोनों को दिखाता हूँ। पहले जो है किचन के साथ वाले बेडरूम में चले जाते हैं व्यूअर्स, एक डिसेंट स्पेस में आपके पास व्यूअर्स ये बेडरूम है, आप देख सकते हैं बहुत डिसेंट आपको फील्स में ये पूरा एक घर मिलेगा। एक खूबसूरत आपके पास विंडो पैनल है, बड़ा बेहतरीन सा निश डिज़ाइन है, और कंसील्ड आपका वार्डरोब एरिया बिल्कुल आपके जो है ड्रेसिंग के बिल्कुल साथ है, यानी कि अगर आपके इस रूम में आप ड्रेसिंग वगैरह नहीं रखना चाह रहे तो ऑलरेडी आपके पास ड्रेसिंग की एक अकोमोडेशन आपके पास स्पेस जो है डेडिकेटेड मौजूद है। इसके साथ व्यूअर्स आपके पास एक बेहतरीन जो है प्रॉपर वार्डरोब एरिया आप देख सकते हैं, एक ज़बरदस्त कंसील में, और अलॉन्ग विद इसके साथ आपके पास बिल्कुल है अटैच वॉशरूम जो कि अपनी मिसाल आप है, यानी कि इसकी वैनिटी ज़रा चेक करें आप, आई थिंक कोरियन की आपको वैनिटी मिलती है। खूबसूरत आपके पास मिरर है लाइट के साथ, और साथ आपके पास कंसील्ड शॉवर है हैंड शॉवर के साथ, और साथ आपके पास आ जाता है कमोड, एक ज़बरदस्त आपके पास टाइल्ड अप एक डिसेंट टाइल वर्क के साथ ये वॉशरूम है। जल्दी से फिर से आपको लेकर चलता हूँ दूसरे जो है ग्राउंड पोर्शन के बेडरूम की तरफ। व्यूअर्स ग्राउंड पोर्शन के जो है इस बेडरूम से एग्जिट लेके, पहले बेडरूम से एग्जिट लेके मैं दूसरे ग्राउंड पोर्शन के बेडरूम की तरफ आपको लेकर चला हूं, जो कि बिल्कुल एडजेसेंट है इस बेडरूम से, और अगर मैं इसकी स्पेस की बात करूं तो कंपैरेटिवली व्यूअर्स मुझे ज़्यादा स्पेस फिल हो रही है एक डिसेंट अच्छी स्पेस में। आई थिंक दिस इज द मास्टर बेडरूम ऑफ द ग्राउंड पोर्शन, काफ़ी आपको एक अच्छी ज़बरदस्त स्पेस में ये बेडरूम मिलता है। तो व्यूअर्स आपके पास एक खूबसूरत 3 ब्लेड फैन है, क्या बेहतरीन एक आपके पास क्लास का एक फ्लॉलेस आपके पास सीलिंग वर्क है, खूबसूरत आपके पास निश डिज़ाइन है, और वार्डरोब एरिया बिल्कुल कंसील्ड है जो कि इस दीवार के साथ है। यहाँ चेक कर लेते हैं, नहीं यहाँ पे जो है वो ड्रेसिंग की अकोमोडेशन नहीं है, पहले बेडरूम आए थे। तो आपके पास बिल्कुल कंसील्ड वार्डरोब एरिया है ज़बरदस्त, और ये व्यूअर्स है जी वो एक्सटीरियर लॉन, इंटीरियर लॉन जिसकी मैं आपके साथ बात कर रहा था कि एक खूबसूरत आपके पास लॉन स्पेस, और काफ़ी एक मैसिव यहाँ से अगर आप खड़े होकर फील करें तो आप यहाँ पे एक छोटा मोटा अपना इवेंट बारबेक्यू वगैरह कोई 15-20 लोगों का इजीली यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं। अटैच वॉशरूम की तरफ मैं आपको लेकर आता हूँ, तो दिस इज़ द अटैच वॉशरूम, आप देख सकते हैं कि आपके पास एक खूबसूरत वॉशरूम में क्या ही एक वैनिटी है व्यूअर्स, ज़रा इस वैनिटी की आप क्लास चेक करें। कोरियन आपको वैनिटी बोर्ड कोरियन का मिलता है, खूबसूरत आपके पास एक बड़ी स्टाइलिश आपके पास वैनिटी है, और अलॉन्ग विद एक खूबसूरत आपके पास वैनिटी मिरर है, और लाइट है आपके पास ज़बरदस्त टाइल वर्क है जो कि बिल्कुल आपको थोड़ा आई थिंक ज़रा वो डल टाइल वर्क है, डल फीलिंग में आपके पास बड़ा एक एस्थेटिक फील में टाइल वर्क है। पोटा का आपके पास वॉल हंग कमोड है, और इसके साथ भी आपके पास कंसील्ड है जिसका शॉवर सेट बिल्कुल आप देख सकते हैं, शॉवर हेड देख सकते हैं, और साथ आपके पास एक हैंड शॉवर भी है। चलते व्यूअर्स घर के अपर पोर्शन, अपर पोर्शन में जाकर देखते हैं कि और मजीद क्या क्या खूबसूरती क्या क्या चीज़ें हैं इस घर के अपर पोर्शन में, क्या क्या चीज़ें बनाई गई हैं।
तो यार्स टीवी रूम से ड्राइंग रूम से होता हुआ मेन एंट्रेंस की तरफ आता हुआ मैं जाता हूँ इस घर के अपर पोर्शन की तरफ, जो कि ऑन दी राइट है फ्रॉम द मेन एंट्रेंस। दिस इज अपर पोर्शन का आपका स्टेयर कैसे बहुत ही खूबसूरत, जरा ग्रिल की आप खूबसूरती चेक करें। जी तो फिर अपर पोर्शन में आ चुका हूँ, जो कि एक स्टेयर केस कंटिन्यूड है, जहाँ जो आप जा रहा है आपका रूफ टॉप तक जा रहा है, जहाँ पे आपके पास सर्वेंट क्वार्टर ऑफ और वॉशरूम है। व्यूअर्स आपको मैं लेकर चलता हूँ अपर पोर्शन में, जो कि आई थिंक जरा इसका मैं लेआउट जरा आपको समझा दूँ। आपके पास तीन बेडरूम्स की अकोमोडेशन है, एक ज़बरदस्त आपके पास टीवी लॉन्ज है, किचन है, और साथ व्यूअर्स आपके पास जो है स्टोर रूम है। तो वन बाय वन तीनों चीज़ों का, चारों चीज़ों का आपको मैं जो है शॉर्ट साइड टूर देता हूँ। तो व्यूअर्स बिल्कुल अपर पोर्शन में एंटर होते हैं, लेफ्ट साइड पर मुझे मिलता है इसका फेसिंग साइड पर, टेरेस वाली साइड पर इसका बेडरूम, और इसके साथ व्यूअर्स मुझे मिलता है इसका स्टोर रूम, जो कि एक बड़ी एक नेसेसिटी होती है बड़े घरों में, जो कि अक्सर घरों में ये चीज़ मिस होती है, और ये एक अच्छी एडिशन है, ये बिल्कुल घरों में होना चाहिए। इसके बिल्कुल राइट साइड व्यूअर्स मिलता है इसका मुझे अपर पोर्शन का खूबसूरत एक टीवी लॉन्च, मीडिया वॉल इंस्टॉल आप देख सकते हैं, बड़ा एक खूबसूरत सा आपके पास सीलिंग वर्क है, और एक काफ़ी ओपन आपके पास मैसिव स्पेस में इसका किचन भी है। किचन बिल्कुल आपको ग्राउंड पोर्शन का आपको स्पेस मिल रहा है, आपके पास टेक्टाइल का यूज है, साथ आपके पास व्यूअर्स ग्रेनाइट का काउंटर टॉप है थ्रू आउट। वॉशिंग एरिया आप देख सकते हो, और आपके पास हुड एंड हॉब की इंस्टॉलेशन है, माइक्रोवेव और ग्रिल ओवन नहीं लगे हुए, वो आपने खुद लगाने हैं। तो व्यूअर्स लेकर चलता हूँ मैं जल्दी से ग्राउंड अपर पोर्शन के फर्स्ट बेडरूम की तरफ। दिस इज़ आ फर्स्ट बेडरूम, एक खूबसूरत आपके पास डिसेंट स्पेस में व्यूअर्स बेडरूम है, ज़बरदस्त बड़ा ज़बरदस्त एक डिसेंट आपके पास सीलिंग वर्क है, थ्री ब्लेड फैन आपके पास इंस्टॉल्ड है, और ये ज़रा इसकी फीचर वॉल चेक करें, ज़रा एक बिल्कुल एक अलग ही आपके पास कलर स्कीम यहाँ पर मिलता है खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। कंसील्ड बिल्कुल इसका वार्डरोब एरिया व्यूअर्स आपके पास, और ऑन दी राइट मुझे मिल रहा है इसका अटैच वॉशरूम, वॉशरूम बहुत बेहतरीन है घर के सारे, वैनिटी बोर्ड, वैनिटी मिरर, इसके साथ आपके पास कंसील्ड शॉवर सेट है बिल्कुल, शॉवर हैंड शॉवर के साथ आपके पास कमोड है, और ज़रा इस टाइल वर्क की खूबसूरती आप चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। चलते व्यूअर्स अपर पोर्शन के सेकंड ओवरऑल फोर्थ बेडरूम की तरफ, निकलते ही बिल्कुल ऑन द राइट मुझे मिलता है, तो दिस इज़ द सेकंड बेडरूम आप देख सकते हैं, अपर पोर्शन का ओवरऑल फोर्थ बेडरूम है, खूबसूरत आपके पास बड़ा सिंपल सा आकर डिसेंट सा एक सीलिंग वर्क है, और एसी के जो है वो आपको पॉइंट्स जो है वो दिए गए हैं सारे। कंसील्ड बिल्कुल आपके पास वार्डरोब एरिया है, और इसके साथ फिर आ जाता है आपके पास अटैच वॉशरूम, अगेन टाइल वर्क बड़ा डिफरेंट सा लग रहा है सारे वॉशरूम में, लेकिन बहुत डिसेंट है। वैनिटी बोर्ड है आपके पास, मिरर है, और कंप्लीटली टाइल्ड अप वॉशरूम है, कंसील्ड शॉवर एरिया है, और हैंड शॉवर देख सकते हैं आप, और साथ भी आपके पास आ जाता है कमोड। व्यूअर्स चलता हूँ घर के मैं फिफ्थ और लास्ट बेडरूम की तरफ, फिर इस विजिट को हम क्लोज करते हैं। तो व्यूअर्स टेरेस साइड पर फ्रंट साइड पर फेसिंग पे आपके पास इसका जो है पांचवा बेडरूम है, जो कि स्पेस की मैं अगर बात करूँ तो बाकी दोनों बेडरूम से ज़्यादा स्पेस है इस बेडरूम में। एक खूबसूरत व्यूअर्स आपके पास कंप्लीट एक वॉलपेपर वर्क है इस सारी दीवार पे। वार्डरोब एरिया जो है उसकी स्पेस यूटिलाइजेशन मुझे बहुत मज़े की लगी है, क्योंकि सारे वार्डरोब एरिया अक्सर आपको कुछ एक दो रूम के वार्डरोब एरिया इनसाइड द वॉशरूम मिलते हैं, लेकिन वॉशरूम की स्पेस भी काफ़ी अच्छी है, और वार्डरोब एरिया सारे कंसील्ड है, यानी कि स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त है। आपका बेडरूम के अंदर होते हुए भी आपको काफ़ी कोई कंजस्टेड फीलिंग्स नहीं आ रही, वॉशरूम भी आपके बड़े हैं, बेडरूम के खास है, साइज भी काफ़ी अच्छे खासे हैं, और कंसील्ड एक स्पेशियस आपका वार्डरोब एरिया है ये, और ये भी आ गया इसका आपका फ्रंट साइड का व्यू। और लेकर चलता हूँ मैं अटैच वॉशरूम की तरफ, दिस इज द अटैच वॉशरूम, एक डिसेंट स्पेस में व्यूअर्स आपके पास वॉशरूम है, काफी ये ठीक ठाक बड़ा वॉशरूम है, इनके क्या बात है, जो कि मैं कह रहा था वार्डरोब एरिया जो है रूम में है, आपके पास वॉशरूम में भी अलहदा एक सेपरेट वार्डरोब एरिया, यानी कि डबल वार्डरोब एरिया आपको इस बेडरूम में मिलता है, वॉल हंग कमोड है आपके पास, क्या ये एक मैसिव आपके पास वाइड वैनिटी बोर्ड है, वैनिटी मिरर देख सकते हैं। एक चीज़ आप मिस कर रहे होंगे कि जी घर के सारे बेडरूम देख लिए, किचन देख लिया, टीवी देख लिया, घर का टेरेस की साइड पे, तो जब मैं सीढ़ियों से ऊपर आया था व्यूअर्स ऑन दी लेफ्ट मुझे मिलता है थिंक इसका खूबसूरत टेरेस, जिसको हम एक्सेस कर लेते हैं। ये तो व्यूअर्स ये आपके टेरेस की अकोमोडेशन है, वन स्टेप डाउन ट्रेबट एंड मार्बल सारा आपको हर जगह पर मिलेगा, और ये इस घर का खूबसूरत सा एक टेरेस वर्क है, टेरेस है, क्या खूबसूरत कैलीग्राफी वर्क है।
वही आपका एक खूबसूरत फेज 8 का व्यू है। वापस मैं जाता हूँ व्यूअर्स करके इंटीरियर की तरफ। जी तो व्यूअर्स 12 मरला कंस्ट्रक्शन के साथ 4 मरला इंटीरियर गार्डन स्पेस का जो एक कैटेगरी पेड है जहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन खुद भी कर सकते हैं। 16 मरला इस घर के ये थे खूबसूरत बेहतरीन क्लास के घर का कंप्लीट होस्टवर डिमांड जो कि निचली मैं आपको बताई थी 6,20,00,000 रुपये भी इस घर के डिमांड है। घर की किसी बारे में किसी भी किस्म की मालूमात के लिए किसी भी किस्म की डील बनाने के लिए व्यूअर्स हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।